आपका है टू नंबर्स डिफर बाय 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। ठीक है, आपका दो नंबर्स है, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, दूसरा नंबर हमारा वाई है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर टू केसेस हैं, केस वन एंड केस टू। केस वन में क्या है, एक्स इज ग्रेटर, तो आपका क्या हो जाएगा, एंड ग्रेटर देन वाई, तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और सेकेंड केस में क्या है, हमारा वाई इज ग्रेटर, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसने बताया देयर प्रोडक्ट इज 192। ठीक है, तो केस वन लेकर चलते हैं हम, केस वन। ठीक है, इसने कहा देयर प्रोडक्ट इज 192, तो एक्स इंटू नेक्स्ट इज व्हाट इज वाई, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो एक्स माइनस 4, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 192। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 192 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 192 के फैक्टर्स क्या होंगे देखते हैं, 296, नेक्स्ट 248, नेक्स्ट 224, 212, 26, 23, हमारा आना चाहिए 4, कितना आना चाहिए 4। तो हम लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, एक हमारा हो गया 16, दूसरा 3 इंटू 2 इज 6, 6 2 जा 12, है ना, तो हमने ले लिया ये वाला एंड ये हमारा हो गया 12, ये हमारा हो गया 16, 16 माइनस 12 इज 4। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो x इज कॉमन, तो हमारा आ जाएगा x माइनस 16, फिर प्लस 12 इज कॉमन, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ गया, x माइनस 16 एंड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, हमारे x इज दो नंबर आ गए, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या होगा, व्हाट इज y, व्हाट इज y, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4, दैट मीन्स 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। और इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा y, y इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, हमने केस वन लेके किया है, केस टू में भी आपका सेम आंसर आएगा, नीड नॉट टू डू इट। ठीक है।